क्या हुआ था आपको? यहाँ लड़ाई हुई थी जी, हमने सुना था कि बुजुर्ग बातें लगाते थे कि 1815 में कभी लड़ाई हुई थी, यहाँ फौजें रहती थी जी, किला था ये राजे के टाइम का, और पलटने एक कहीं अंग्रेजों की फौज आई थी पार पे, मेरा ख्याल इस शहर से कहीं उठो बोलते थे क्या बोलते थे, तो यहाँ पता लग गया था कि थापा रहता है यहाँ मोर्चा था, उनको CID लगी, तो यहाँ जो था यहाँ आके जो था फिर यहाँ लड़ाई हुई उनकी आपस में, बड़ी ज़ोरदार लड़ाई हुई बुजुर्ग बोलते थे, तो खुन्नू ये खड्डा भई है और महाराज, फिर यहाँ आके जो था लड़ाई जब खत्म होने लगी उसके बाद उसको पगती थापा को लगी कहीं गोली लग गई या कुछ भी हुआ उसकी जो बोलते थे बुजुर्ग कोटी निकल गई थी बाहर, तो उसने अपनी जो थी पगड़ी उतारी साफ थापा उतारने, फिर उसने अपने कमर में बांधा, फिर उससे बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी जी उसने, तो उससे बाद उसने 18 जवान मारे ऐसा बोलते, उससे बाद जो था यहाँ लड़ाई जो ही खत्म हुई नारायणकोट में जगह, और उस टाइम में बंदूकें भी होती थी उसी टाइम में 1815 में होती थी, 1815 का उस टाइम होती थी, हाथ से लड़ाई लड़ते थे उस टाइम, हाथ के साथ लड़ते थे जी ऐसा बोलते थे बुजुर्ग, कटाबड़ी होती थी कोखरियों के साथ ऐसा ऐसा, ये जगह है नारायणकोट कोने जगह है। अच्छा यहाँ तोप लगी थी? हाँ यहाँ तोप लगी थी बोलते थे जी, और तब ये मोर्चा तोड़ा गया, इसका एक साइड को अभी भी दिखाई देता है और ये तो सामने है जी ऐसा था। यो बन्दुक 1815 को बन्दुक हो जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो भक्ति थापा हाम्रो यहाँ गोर्खालीहरूले सङ्घर्षमा लडेका थिए, यो कुनै एक गोर्खाली त्यो बेलाको पल्टनबाट पाएको एउटा बन्दुक हो जुन उहाँले उहाँहरूसँग अहिलेसम्म छ, यो इतिहासको बन्दुक होइन तोप, त्यहाँबाट हान्नु पनि सक्छ नि त, तोप राख्ने जग्गा छ कि छैन भने हेर छैन तपाईँहरू यहाँ कसरी आउनुभयो त? 1815 जब गोर्खाली र अङ्ग्रेजहरूको लडाइँ सकियो यहाँ, त सबभन्दा पहिले हाम्रो यो फ्यामिली यहाँ बसेको यो मकान उस टाइमको हिस्ट्री हो, ऊ मकान पनि उस टाइमको हिस्ट्री हो, यो मकानदेखि 105 फ्यामिली आजसम्म भइसकेको स्टिल लगेको आइगो, और हाम्रो पुर्खाहरू जो छन् नेपालदेखि लड्दै लड्दै यहाँ आएको, लडाइँ सकिनको बाद यहाँ हाम्रो यो घर बनाएर बसेको, और हाम्रो यो बिस्ट फ्यामिली भनौँ या गोर्खा फ्यामिली भनौँ हिन्दुस्तानमा सबभन्दा प्रथम फ्यामिली और ओल्डेस्ट वान फ्यामिली, जसको कि हामी जो छौँ अगाडि बच्चाहरू फर्दर जेनेरेसन हो, और स्टिल इट विल कन्टिन्यू। तपाईँलाई यो जुन किल्लामा किल्लामा यो हाम्रो भक्ति थापाले युद्ध हार्नुको कारण के लाग्छ? यसमा हजुर यस्तो हो, एक तो यहाँ ब्रिटिस हिस्ट्रीले भन्छ इन्डियन हिस्ट्रीले भन्छ एज वेल एज हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई बताएको हो कि अमर सुबेदार अमर सिंह थापाले यो कि जनरल भक्तिया थापाको सुबर्डिनेट हो, उसको अन्डरमा काम गर्ने हो, उनले गोर्खालीहरूको विक पोइन्टहरू अङ्ग्रेजहरूलाई दिका बताएको हो, उसको बाद गोर्खालीहरूलाई अङ्ग्रेजले हमला गरे गोर्खालीमाथि, और जनरल भक्तिया थापाको जो हजुरले उहाँ स्थान हेऱ्यो मोर्चा हेऱ्यो उसलाई उडाएको हो, और उसको बाद यो गोर्खा और अङ्ग्रेजहरूको युद्धको अन्त भएको हो, और यो सब चिज जो छ यो यहाँ कर्नल जसले यहाँ हमला गराएको हो उनको अटोबायोग्राफीमा 80 दशकमा 80s यहाँ एक उनको कोही अगाडि बच्चा थियो जो कि इङ्ल्यान्डमा लयर थियो, उसको अटोबायोग्राफी उसको बुजुर्गको जो थियो उसमा यो पुरा हेरेको मैले एक हप्तासम्म यहाँ बसेको अप्रोक्स उसमा यो चिज पुरा पढेको, और जो सिम्बलहरू हजुरलाई पेडहरू बताए मोर्चा बताए यो सब कुछ उनको उसमा हातले बनाएको स्केचहरू यो एक छ हिस्ट्रीको, र मोर ओभर डिटेल जो छ यो हजुरले 14 GTCमा गएर पनि थाहा गरिसक्यो पुरा डिटेल हजुरलाई मैले जो दुईवटा बुक्सहरू बताए हिस्ट्रीको उसमा हजुरलाई भनेछ।
हजुर बहुत सौभाग्यशाली मान्छे हो जो कि नेपाल देखि फर्स्ट कोई डेलीगेट बनु या फर्स्ट कोई एम्बेसडरियल टीम बनु या फर्स्ट कोई इतिहासकार बनु या फर्स्ट कोई फिल्म मेकर बनु हु हैज विजिट दिस प्लेस बीइंग ए नेपाली। और यो तो नेपाल को पुर्खार को हिस्टोरिकल प्लेस हो, यहाँ लड़ाई को अंत भएको गोर्खा को हिंदुस्तान में आगमन को बेसिक प्लेस हो, या यो भनिसक्छु हजुरले कि प्रथम प्लेस हो यहाँ देखि गोर्खालीहरुको जड़ा बसेको, और हामी जो छौँ त्यो जड़ा को ठुलो मेन जड़ा हो जसको हाँगा पाँगा आज पूरा हिंदुस्तान में क्या ओल्ड ओवर उसमें हाम्रो फैमिली बच्चा बाहर बाहर छन् इवन नेपाल में हमारे बच्चा जो। तो हजुरहरुलाई त म बधाई को पात्र समझ्छु, बधाई दिन्छु कि जो यहाँ अहिले यो हाम्रो गोर्खालीहरुको पुराना जो पुर्खा को ऐतिहासिक जगह छ उसलाई हजुरहरुले खोज्या, इसको बारे में कुछ लाइट कर लो। और मेरो कामना छ कि हजुरहरुको भविष्य बहुत ब्राइट हो, हजुरहरु खूब फलो पुगन, हजुरहरुको नाम पूरा विश्व में प्रकाशित हो प्रदर्शित हो। और यो फिल्म को जरिए हम मेरो पनि अहिले 63 इयर्स को एज गइराछ, तो वेरी मच इन माई गुड मेमोरी कि कोई भी मान्छे नेपाली इतिहासकारले या नेपाली कोही मान्छे टिमले अहिले यो ऐतिहासिक प्लेस को या ऐतिहासिक किला खोज गरेको हजुरहरु सबभन्दा प्रथम टिम हो जो यहाँ अहिले भिजिट गरेको। थ्याङ्क यू भेरी मच।